अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आतिफ शहजाद आपका अपना चैनल इस्लामाबाद ड्रीम होम्स। ये लेफ़्ट साइड पे मेरे बैरिया फेज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसकी एंट्रेंस है और राइट साइड पे बैरिया फेज़ 7, 8 है। लेकिन यहाँ से सीधा जाना है हमने गीगा मॉल की तरफ, DHA 2, और विज़िट है आज सेक्टर एफ भी है और सेक्टर एच भी है। सेक्टर एच और एफ स्ट्रीट व्यू करते हैं, डिटेल देखते हैं, फिर यहाँ के प्लॉट्स और बने बनाए घर के रेट चेक करते हैं, कुछ सोसाइटी का देखते हैं। DHA एक जानी मानी वेल नोन अच्छी सोसाइटी है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद। तो चलें मेरे साथ DHA 2 की तरफ, उसका गेट नंबर 4 भी आपको दिखाता हूँ, गेट नंबर 2 भी दिखाता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो व्यूअर्स, ये मैं गीगा मॉल के पास पहुंच चुका हूं। तो गीगा मॉल क्रॉस करके इससे ज़रा सा आप आगे जाएंगे, तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम रास्ता है। तो यहां पे ये DHA का अभी आएगा गेट नंबर 4 नंबर गेट ऑफ DHA सेक्टर एच। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे DHA का गेट नंबर 4 आ गया और यहाँ पे एंटर होते ही इसके बिल्कुल राइट साइड पे सारा सेक्टर एच है, DHA 2, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद, गेट नंबर 4 सेक्टर एच। ये गेट नंबर 4 आज बंद है, आज फ्राइडे का दिन है, ड्यू टू सम रीज़न गेट नंबर 4 बंद क्यों है, दोनों रास्ते बंद हैं और गार्ड बता रहा है कि पिछले गेट से जाना पड़ेगा। चलिए मैं आगे से यू टर्न लेके वापस गेट नंबर जो गीगा मॉल के साथ है, गेट नंबर 3 सेक्टर एफ का, वहाँ से एंटर होते हैं और वापस चलते हैं यहाँ पर। ये अभी मैं वापस यू टर्न लेके वापस आया हूँ, ये गीगा मॉल से पहले यहाँ पे ये मेरे लेफ़्ट साइड पे DHA का एंट्रेंस है सेक्टर एफ की तरफ, ये सेक्टर एफ की तरफ गेट नंबर 3। आज हम यहाँ से एंटर होते हैं, फिर यहाँ से होते हुए मैं आपको सेक्टर एफ भी दिखाता हूँ और सेक्टर एफ से होते हुए फिर सेक्टर एच की तरफ भी जाते हैं। और एक कनाल के प्लॉट्स हैं और एक कनाल के घर हैं। ये DHA फेज़ 2 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद फेज़ 2 की एंट्रेंस, और यहाँ से हम निकल के अंदर की तरफ आ चुके हैं DHA में। तो ये लेफ़्ट राइट पे रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट है, सिक्योरिटी आपने देखी है और अच्छी ओपन डबल रोड है। और ये लेफ़्ट साइड पे कमर्शियल एरिया भी है, यहाँ पे कुछ ब्रांड्स वगैरह भी हैं, खाने पीने के भी हैं और बैंक्स वगैरह भी हैं। तो जैकरैंडा फैमिली क्लब भी है। तो DHA 2 का मैं आपको पहले भी विज़िट कराया, लेकिन ये सेक्टर एफ और सेक्टर एच का विज़िट इसलिए कराता हूँ, आपको स्ट्रीट व्यू भी करा दूँ ताकि आप एक अंदाज़ा हो सके यहाँ पे खूबसूरती, खूबसूरत बने हुए घर और ये सारी डिटेल और चीज़ें आप ख़ुद से देख सकें। तो ये मेन बुलेवर्ड, मेन रोड से होते हुए हम जा रहे हैं आगे की तरफ और फिर मैं आपको स्ट्रीट व्यू करवाता हूँ। व्यूअर्स, ये मैं सेक्टर एफ की स्ट्रीट नंबर 29 में एंटर हुआ हूँ, DHA फेज़ 2, इसका आप एक स्ट्रीट व्यू करें। मेरे लेफ़्ट साइड पर और ये राइट साइड पर कई प्लाट्स गुजरे हैं और यहाँ पे मैंने जो मेरे रिसोर्सेज के थ्रू यहाँ पे स्टिल प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है, जो प्लॉट्स फॉर सेल हैं सेक्टर एफ में एक नाल के, और बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं, बड़ी खूबसूरत स्ट्रीट्स बनी हुई हैं। स्ट्रीट व्यू आपके सामने है, अच्छी क्यारी है, बाहर अच्छे बाहर लोगों ने इसकी सेटिंग की हुई है, तो काफ़ी प्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं।
यहाँ पे एक कनाल के प्लॉट्स हैं, 50 फ्रंट 90 लेंथ, और बने बनाए एक कनाल के घर हैं। और स्ट्रीट व्यू आप कीजिए, DHA 2, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, इस्लामाबाद, फेज 2, सेक्टर F। इन स्ट्रीट से होते हुए मैं अगर बाहर मेन बुलेवार्ड के रोड की तरफ वापस आया हूँ, तो मैं ये सामने आपको ज़रा सा DHA 2 का एक कमर्शियल जो हब है वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सामने यहाँ पे खासा अच्छा बड़ा कमर्शियल एरिया है, सारे बैंक्स अवेलेबल हैं, KNNs बैंक्स, और अच्छे ब्रांड्स, बेकरियाँ और फार्मेसी, ये सब शॉप्स यहाँ पे मौजूद हैं, और ख़ासा बड़ा कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल हब है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। तो ये सामने आप देखें, बड़े बड़े प्लाजे बने हुए हैं, ऊपर ऑफिस बने हुए हैं, कुछ अपार्टमेंट्स भी हैं, और नीचे सारी शॉप्स हैं, बैंक्स हैं, सब कुछ है। तो व्यूअर्स, ये अगर DHA 2 के इस जो राउंड अबाउट है, अगर इस कमर्शियल हब की बात करें, तो यहाँ पे इसके साइड पे पार्क है, वॉकिंग ट्रैक्स है, सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज के कुछ यहाँ पे ट्रैक्स वगैरह बने हुए हैं, और बीच में सारा एक फूड एरिया है जिसमें सब ब्रांड्स के खाने पीने हैं, मैकडोनल्ड, KFC, कॉफ़ी प्लानट, और ये KFC भी और कॉफ़ी प्लानट भी, और ये सारे एक जो आपको यहाँ पे एक सिर्फ इस राउंड अबाउट में सारे ब्रांड्स खाने पीने वाले मिल जाएंगे, तो काफ़ी वेल मैनेज्ड है। तो ये सब मैं आया हूँ DHA 2, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, इस्लामाबाद, सेक्टर H, स्ट्रीट नंबर 14। तो इसका एक व्यू करते हैं, एक कनाल के प्लॉट्स, एक कनाल के घर्स हैं, घर बने हुए हैं यहाँ पे, और काफ़ी घर अंडर कंस्ट्रक्शन भी मैंने देखे हैं। तो अभी आप ये H ब्लॉक का स्ट्रीट व्यू करें, फिर हम इसको स्ट्रेट सेक्टर F और सेक्टर H के प्लॉट्स के रेट्स की बात करेंगे, और बने बनाए घर की बात करेंगे। तो आप एक स्ट्रीट व्यू कीजिएगा सेक्टर H DHA 2।
बियर सभी हम अगर रेट्स की बात करें, मैंने अभी आपको सेक्टर एफ दिखाया है, सेक्टर एच दिखाया है, डीएचए फेज टू का कनाल के प्लॉट्स है, 50 फ्रंट 90 लेंथ। और रेट्स की बात करें तो रेट्स इनके दोनों के ऑलमोस्ट आपस में मिलते जुलते हैं, सेक्टर एफ और सेक्टर एच के। सेक्टर एच का आपने स्ट्रीट पे देखा, यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल प्लॉट एक नाल का डीएचए फेज टू सेक्टर एच और सेक्टर एफ में मिल जाएगा ऑलमोस्ट 3 करोड़ 60 लाख से लेके 4 करोड़ 10 4 करोड़ 20 तक भी जाते हैं इनके प्लॉट, 3 करोड़ 40 3 करोड़ 50 3 करोड़ 60 से लेके 4 करोड़ 10 तक ये प्लॉट्स के रेट हैं और एक नाल साइज़ है। और यहाँ पे अगर आप बने बनाए घर की बात करें, एक नाल का नया घर बना बनाया डिज़ाइनर हाउस एक नाल, यहाँ पे स्टार्ट होता है 6.5 करोड़ 7 करोड़ से लेके 8 करोड़ तक जाता है एक नाल का डबल स्टोरी बना बनाया घर। तो प्लॉट्स काफ़ी अवेलेबल हैं, महंगी जगह है, खूबसूरत जगह है, वेल मैनेज्ड है, स्ट्रीट व्यू आपके सामने है और डीएचए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, और यहाँ पे प्लॉट के रेट्स मैंने आपको बताए हैं, बने बने घर के रेट्स भी बताए हैं, साइज़ एक नाल है। और ये मेरी आज की वीडियो थी सेक्टर एफ और सेक्टर एच के बारे में, तो आप मज़ीद स्ट्रीट व्यू कीजिए। तो व्यूवर्स, ये मैं अभी गीगा मॉल की बैक साइड पे खड़ा हूँ, डीएचए 2 के अंदर खड़ा हूँ। ये गीगा मॉल की बैक साइड है, सामने मेरे डीएचए का स्कूल सिस्टम है, एक बहुत बड़ा बहुत अपना अच्छा स्कूल से डीएचए का अपना स्कूल है। और यहाँ से राइट अगर सीधा जाए तो ये सारा सेक्टर एच है, जिसका स्ट्रीट व्यू मैं आपको करा चुका हूँ। तो ये सारा आप देखेंगे तो ये सारा सेक्टर एच सामने की तरफ है, और जिसका आप रेट्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सामने अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखें तो बहुत ही अच्छी डीएचए की सेक्टर एच की अपनी मस्जिद भी है। तो व्यूअर्स, ये मेरी आज की वीडियो थी, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स बॉक्स में कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।